नमस्कार आप सभी को। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्च का महीना चल रहा है, तो मार्च के महीने में होली हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार होता है और यह 24 और 25 मार्च को 2024 में पड़ रहा है। तो आज हम जानेंगे कि होली हम मनाते क्यों। होली मार्च महीने में बसंत ऋतु का आगमन होता है और इस बसंत ऋतु के उत्सव को मनाने के लिए हम होली का पर्व मनाते हैं। होली का पर्व हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है, जैसा कि हम जानते हैं, और यह हिंदू का त्यौहार एक पिता का नाम हिरण्यकश्यप और उनके बेटे का नाम प्रहलाद था, उनसे भी जोड़कर देखा जाता है। प्रहलाद एक राक्षस कुल में जन्मे थे और वह भगवान विष्णु का पूजा करते थे, लेकिन उनके पिता हिरण्यकश्यप का मानना यह था कि वह राक्षस कुल के हैं तो हिरण्यकश्यप का ही पूजा करें, यानी कि वह अपनी खुद की पूजा करवाना चाहता था। लेकिन प्रहलाद जो है भक्ति भावना में लीन थे, इस वजह से वह भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। तो हिरण्यकश्यप अपनी बात को मनवाने के लिए, जब प्रहलाद उनकी बात नहीं मानते थे, तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बात को मनवाने के लिए अपनी बहन होलिका को लगा दिया। और होलिका जो है, एक उनको वरदान मिला था होलिका को, और वह एक चादर ओढ़कर अगर बैठ जाती थी आग में तो आग जो है उसमें नहीं लगती थी। लेकिन जब वह प्रहलाद को लेकर उस आग में बैठी तो कहा जाता है शक्ति पर भक्ति का जीत हुआ, अर्थात होलिका जल गई और प्रहलाद